आज प्रेस क्लब जम्मू में कश्मीरी माइग्रेंट्स अनएम्प्लॉयड यूथ ने आला हुकाम से जल्द अज जल्द 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट रिलीज करने का मुतालबा किया। आइए देखते हैं ग्रोइंग कश्मीर की ये रिपोर्ट। हम भारतीय है, आज हमें यहाँ पे 137 डेज हो गए हैं प्रोटेस्ट करते हुए, और आपको पहले भी पता है कि हम पहले भी प्रोटेस्ट कर रहे थे 2020 में। अब 2021 आ गया है, 8 सितंबर को गवर्नर सर ने एश्योरेंस दिया था हमें, जगती में आए थे और हमने फाइल दी थी कि 15 दिन के अंदर आपका केस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। मुझे पूछना कहाँ है वो 15 दिन। उसके बाद राजभवन में भी हम गए थे मिलने, वहाँ पर भी एश्योरेंस दिया था हमें, सिर्फ हमें एश्योरेंस मिल रहा है कि आपका केस हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। मुझे तो ये पूछना कि कब हो जाएगा, आखिर हमने कितना सहेंगे। हम 31 साल से तो सह ही रहे हैं, 31 साल से तो हम दर बदर है ही, और अब और कितनी देर तक हमने बर्दाश्त करना, कितनी देर तक रोडों पे हम घूमेंगे। अब उनसे यही प्रार्थना करनी है, कर रहे हैं कि कोविड काल भी आ गया है, अब फिर से वापस आ गया, तो हम पर तो रहम कीजिए, अब हम पे इंसाफ कीजिए, हमारी फैमिलीज को बचाइए। हम जाना चाहते हैं कश्मीर, वहाँ पे सर्व करना चाहते हैं जो हमारी मातृभूमि है, अपने भाई बहनों के साथ वहाँ पे हम मिलजुल के काम करना चाहते हैं। और गवर्नमेंट की नीति भी है कि कश्मीरियों को वापस बसाएंगे, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि हम कश्मीरियों को वापस बसाएंगे, तो 45 फैमिलीज को नहीं बसा रहे हैं वो, तो बाकी की बात कहाँ कर रहे हैं वो। कम से कम पहले हमें तो बसा के दिखाइए। हम खुद बोल रहे हैं कि जो जेन्युइन है, जो मेरिटोरियस है, हमने क्वालिफाई किया है, एग्जाम भी क्वालिफाई किया हुआ है, हमारे डॉक्यूमेंट एसएसआरडी के पास भी है, फिर भी हम सब कुछ प्रोसेस जो हो गया है, लेकिन फिर भी हमें नहीं भेज रहे, तो बाकियों को क्या भेजेंगे। ये यही कहना है उनसे कि हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है, आप उसको देखिए, उस पर काम कीजिए, उस पर देखिए, आप आपको लगता है तो हुई है हमारे साथ नाइंसाफी, तो हम हमारी जो लिस्ट है उसको आप जल्द से जल्द रिलीज़ कीजिए, और हमारे फैमिली को बचाइए, और हमारे फ्यूचर जो है बच्चों का वो डार्क होने से सेव कीजिए।